नॉर्थ अमेरिका के घने जंगलों में महामानव या दानव कह लें की खोपड़ी मिली है। इस विशाल काय खोपड़ी के मिलने से एक बार फिर से दुनिया में महामानव के अस्तित्व को लेकर बहस शुरू हो गई है। लोगों ने इसे बिगफुट नाम दिया है। कई लोग जंगलों और हिम पर्वतों पर विशाल काय मनुष्य जैसे जीव देखे जाने का दावा करते आ रहे हैं। कई बार उनके पदचिन्ह भी मिले हैं। कई वीडियो ऐसे भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं जिसमें किसी विशाल काय मानव जैसी आकृति जंगलों में घूमती दिखाई देती है। एलियंस की तरह महामानव भी एक ऐसा राज है जिस पर से जल्द पर्दा कब तक उठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कोयोर पीटरसन ने इस दानव की खोपड़ी को बेहद खतरनाक जंगल के कीचड़ों के भीतर से खोजा है। उन्होंने दानव की इस खोपड़ी की तस्वीर को फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस महादानव की खोपड़ी उनके पास है। लोग दानव को माइथोलॉजिकल जीव मानते हैं। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कब कहां क्या मिल जाए किसी को नहीं मालूम। लोग कहते हैं कि हजारों लाखों वर्ष पहले दैत्याकार लोग इस धरती पर रहते थे। धीरे धीरे समय के साथ ये लुप्त हो गए। कईयों का मानना है कि हिम पर्वतों पर अभी भी हिम मानव दिख जाते हैं। उनके बड़े बड़े पदचिन्हों को देखे जाने का दावा भी लोग कर रहे हैं। हालांकि ये कहां तक सत्य है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक दैत्य की खोपड़ी मिलने से ये तो साबित हो गया है कि धरती पर महामानव या दैत्य रहते थे या अभी भी किसी गुफा कंदराओं हिम पर्वतों पर रहते हैं। हालांकि ये एक खोज का विषय है तो इस पर कोई भी निर्णय लेना जल्दबाजी होगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।